आपको याद होगा जब चुनाव होता है तो बीजेपी गली गली जाकर जाट और सिख का वोट मांगती है, लेकिन चुनाव होने के बाद जाटों को कहा जाता है कि बुद्धि कम है, मन बुद्धि के हैं, जाट पागल हैं। जाटों के इतिहास के बारे में अगर मैं दो शब्द कहूं तो आजादी से पहले छोटू राम जिनको सर की का टाइटल दिया गया था, क्या वो भी मन बुद्धि के थे? जिन्होंने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे, क्या वो भी मन बुद्धि के थे? मैं बीजेपी से पूछ रहा हूं आज, और बीजेपी के हर एक नेता से और जितने भी सीनियर नेता हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या सर छोटू राम मन बुद्धि के थे? वो भी जाट थे। क्या चौधरी चरण सिंह जी जो जाट थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, क्या वो भी मन बुद्धि के थे और वो भी पागल थे? मैं दुष्यंत चौटाला से पूछ रहा हूं ये कि भाई आप भी तो जाट हैं, आप मन बुद्धि के हैं, आप पागल हैं? और अगर आप मन बुद्धि के हैं और पागल हैं तो फिर आप डेप्यूटी सीएम कैसे बने हुए हैं? और दुष्यंत चौटाला जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मन बुद्धि के नहीं है और अगर आप पागल नहीं है तो फिर बिप्लब देव का इस्तीफा मांगे। और पूरी आम आदमी पार्टी बिप्लब देव का इस्तीफा मांग रही है कि अगर किसी पार्टी की और अगर किसी सीएम की अगर ये सोच है तो फिर उनको सीएम रहने का अधिकार नहीं है। तो हम ये बिप्लब देव का, त्रिपुरा के जो सीएम है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं अगर किसी सीएम की अगर ऐसी सोच है तो उनको सीएम होने का कोई अधिकार नहीं है। और जितनी भी सीनियर लीडरशिप है बीजेपी की, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आपने क्या एक्शन लिया अभी तक बिप्लब देव के अगेंस्ट? क्या कोई नोटिस दिया? क्या उनसे कोई जवाब मांगा? और अगर नहीं मांगा और अगर कुछ उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहते तो हम यही सोचेंगे कि ये इतनी घटिया सोच, इतनी नीची सोच ये बीजेपी की है। और जब चुनाव खत्म होने के बाद अगर किसी भी समुदाय के बारे में, जाट समाज के बारे में अगर ऐसी सोच रखते हैं तो ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर जाटों का इस प्रकार अपमान होगा तो जाट चुप नहीं बैठेंगे और ये अपमान नहीं सहेंगे।